बर्फ देखो यार। अरे यह वहाँ के इस वाली को देखो। हेलो, यहाँ पर रात को हम रुके थे, टेंट के अंदर पानी रखा था पीने के लिए, उसके अंदर बर्फ, और सामने देखो वो देखो बर्फ, ये देखो माइनस में थे बॉटल में बर्फ, और सामने तो आप देख ही सकते हो। यहाँ लगाया था रात को टेंट, पानी में बर्फ, और खुद की सोचो क्या हालत हुई होगी। सामने नज़ारा देखो। अब हम जाएंगे उस पहाड़ी की तरफ, कालू विनायक मंदिर। मॉर्निंग इवेंट आज है 8 तारीख, और शक्लें हमारी देखने लायक नहीं है, डोंट माइंड। यहाँ पे बैठा है नीरज, वो फ़ोन पे लगा है, और हम तीनों एक साथ यहाँ पे ऐसे कैसे हैं क्योंकि फ़ोन के नेटवर्क इधर ही आ रहे हैं, बहुत ऊंचाई में आ रहे हैं, और हम हैं पाताल नचुनिया में। टेंट हमने वहाँ लगा रखा है, अभी दिखाता हूँ आपको। और रात को भाई ऐसा था, रात को ऐसा था कि हमने पानी की बोतल रखी थी पीने के लिए, सुबह तक बर्फ बन गई थी वो। और क्या हाल चाल, सोचो हमारी क्या हालत हुई होगी। अभी तो बहुत तेज धूप है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे कालू विनायक मंदिर के लिए। कालू विनायक मंदिर यहाँ से है 3 किलोमीटर, और वो पूरी स्टीप चढ़ाई है। तो हम अपना सामान वान यहीं छोड़ के जा रहे हैं इसी टेंट में। 3 किलोमीटर तक जाएंगे, उसके आगे अगर फॉरेस्ट वालों ने परमिशन दे दी तो हम रूपकुंड जाएंगे, अगर नहीं दी तो फिर हम वापस आएंगे, क्योंकि आगे का रास्ता बर्फ बहुत ज़्यादा है, सुनने में ऐसा आया है। अब जाके तो ऊपर जाके ही पता चलेगा हमें। तुम दोनों कुछ रात के बारे में बोलना चाहते हो तो? रात के बारे में यही है कि ठंड तो बहुत ही थी, जो मतलब लाइक कह सकते हैं ना, जो मतलब सहन नहीं हो रही ऐसे वाली ठंड थी। बट फिर बाद में हमने एक मोमेंटम बनाया, बिल्कुल ही ऐसी ऐसे सोए तो ऐसे ही सोना पड़ रहा था, उससे थोड़ा सा वार्म बना चीज़ें। फिर पता नहीं चला कि मतलब कुछ हुआ नहीं हुआ, बट बाद में जब अभी सुबह उठे पानी को देखा तो उससे पता चला कि कल कितनी ठंड थी। क्योंकि आदमी अब बता नहीं पाएगा ना, हम चेक भी करना चाह रहे थे कि नेट पे कि कितना अभी यहाँ डिग्री है, बट नेटवर्क दैट टाइम, इसी वजह से। और ठंड तो बहुत ही थी। वो रहे हमारे टेंट, वहाँ ऊपर गए थे हम बात करने के लिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर रात को ट्रैक नहीं करना हमें। चलें? चल ले भाई, बना ले वीडियो। अच्छी सी बनी हो? अच्छी सी बन रही है। गोरा चिट्टा नची में, गोरा चिट्टा रहा भूल जाना, याद रखियो। कालू विनायक मंदिर, सामान हमने अपना सारा उसी टेंट में छोड़ दिया यार। वो बॉटल भी छोड़ दी क्या वहीं पे पानी की? जमी हुई है वो पूरा, हमने वहीं पे छोड़ दिया अपना सारा सामान। अब यहाँ से निकलेंगे, 3 किलोमीटर तक का ये ट्रैक है जो हम खाली करेंगे। मतलब हमने छोटा सा बैग रखा है जिसमें चॉकलेट्स हैं, फोन है, बस यही चीजें हैं, और मेडिसिन है हमारी बस। बाकी तीन लोग आगे चले गए, मैं और कमल अभी साथ में चलेंगे। और नज़ारे देखो आप, बर्फ ही बर्फ है पहाड़ों पे। और कल का पानी हम कहाँ से लाए थे वो बताता हूँ। इधर देखो नीचे, रात के अंधेरे में वहां से जाके पानी लेके आए थे हम, क्योंकि यहाँ और कोई पानी का स्रोत नहीं था। ये पूरा ट्रेल हमें
चढ़ के जाना है, पीछे कहीं ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर एकदम पहाड़ी पे, स्नो पे, उसके पीछे। तो गाइस यहाँ रुके हैं अभी हम, आधा किलोमीटर ही चले होंगे मुझे लग रहा है। यस, आधा ही होगा बस, आधा किलोमीटर पे भाई ऐसा लग रहा है आधा हो गया। पर आप एक बार कैमरा उधर को दिखाएंगे, वो जो ट्रेल आ रही है हम वहाँ से आए, लेकिन सही मज़ा आया आज। थोड़ा सा एक अच्छा बात है कि हमारे पास बैग नहीं है, हम बैग बेस कैंप पे छोड़ बट पता है चलते टाइम ऐसा लग रहा है बैग उठा रखे हैं। ये तो है। आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पानी थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए ही चाहिए यार पीने के लिए, डिहाइड्रेशन होती है, होंठ सूखते हैं उसकी वजह से। और जो ठंड में ठंड बर्दाश्त ना कर सकता हो ना, वो यहाँ ठंड में ना आए। सीधा एंड क्या कहते हैं, मई जून में आ जाए, मई जून में भी आ जाए, बट नीचे क्योंकि ऊपर है ना बर्फ पिघलती तो और ज़्यादा हवा जो ठंडी हो जाती है। देखो ये रास्ता है जो हम चढ़ रहे आ रहे हैं, और ये पहाड़ है, कहीं भी आपको पेड़ पौधा कुछ नहीं नजर आएगा। ये हमसे एक घंटे बाद निकले, हाँ हमसे पहले पहुंच गए, उनके हाथ में बहुत सामान है यार। क्या गाना लगा रखा है, वाओ। चलो भाई जी, मोटिवेशन क्या दे रहा है आपको, यही गाना दे रहा है? अरे आओ, हाँ हाँ बस मैं तो शायद नहीं मिल पाऊंगा आपको, आप तो बड़ी जल्दी में हो। आपको एक सही बात बताऊं, हमें भी मोटिवेशन पता किस चीज़ का आ रहा है। एक हमें बेस कैंप में कल कौन मिला पता है, 59 ईयर्स ओल्ड एक कोलकाता के अंकल है, वो ट्रैक करना है, वो पूरा रूपकुंड कर रहे हैं पूरा टॉप तक और 59 ईयर्स ओल्ड। तो उन्हीं के लिए ये जा रहा सामान, ये पहले वहाँ जाके ना बेस कैंप पे लगा देगा। एक क्या था नाम था, बस है तू बोल रहा था, भगवा वासा मे भी वहाँ पर ये टेंट लगेगा, फैसिलिटीज वहाँ ये लेके जा रहा है शायद उसमें, वो फिर धीरे धीरे आएंगे, वो थोड़ा धीरे धीरे फोटोग्राफी करते हैं वो अच्छी, वो कैमरा डीएसएलआर लेगा, डीएसएलआर तो खैर हम भी लेकर आए, बट जिस थकावट में मन नहीं कर रहा उसको निकालने का ना, कैसे मतलब निकाल के फिर फोटो खींचो, फिर उसको दोबारा संभालो, मतलब उसमें इट्स टेक लाइक नो मच टाइम। हम अपने आप को संभाल रहे हैं, हाँ तो हमें अपने आप को संभाले या कैमरे को संभाले यही पता नहीं चल रहा है। पर ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा थक रहे हैं तो ऐसी थिंकिंग आ रही है कि क्यों आए, ऐसा नहीं आया। ये सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे, जो भी हमारे टीम, हमारी पूरी टीम है 5 जनों की, अभी भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है। और बल्कि मैं वर्स्ट कंडीशन शायद कल रात का एक घंटा बोल सकता हूँ, वर्स्ट कंडीशन हो गई थी, लाइक कुछ नहीं दिखना, इतनी ठंडी हवा चलना, ठीक है, और नेगेटिविटी भी थोड़ा बहुत आई जाती है जब क्या कहते हैं रात होती है ना, वो भी ऐसे एरिया में कोई भी पत्थर दिखाओ, एक बार एक पत्थर भी गिरेगा तो पता चलेगा। अरे दिखाओ, अगर रात को जैसे अगर कोई एक पत्थर भी गिरता है ना तो ऐसा साउंड करता है कि कोई है उधर, ऐसा होता है ऐसी जगहों में, बट ऐसी बिल्कुल ही दिल पे नहीं लेना, और यार कोई है, थोड़ा थोड़ा इग्नोरेंस करनी चाहिए, तभी तो आप अपने टारगेट पे पहुंचोगे। अगर कल हमने फिर कल अगर इग्नोर नहीं करते ना पीछे जा पाते ना आगे आ पाते, तो पर अच्छा हुआ हमने आगे का डिसीजन लिया, तो हमें एक घंटे के आफ्टर मिल गया बेस कैम्प, इतनी खुशी हुई पूछो मत, इतना रिलैक्स, इतनी खुशी अभी वीडियो में बता नहीं सकता कब होती है। आप कोई मैसेज देना चाहोगे दर्शकों को? सही है, आना चाहिए, अच्छी जगह है, बस एजिड लोगों को, एजिड लोग भी कर रहे हैं भाई, अभी देखा नहीं 60 साल के अंकल गए, हाँ बच्चे से ठंड बर्दाश्त नहीं होती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो भाई नवंबर में या दिसंबर में ना आए, उसके लिए आई गेस बेस्ट टाइम रहेगा मई जून का, उस टाइम बर्फ पिघल रही होती है। बाकी नरेंद्र भाई तो बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर रखे हैं। कौन कौन सा ट्रैक किया है आपने? काफ़ी सारे यार, केदारघंटा, ब्रह्मताल, पंगरचूला। अच्छा, और कश्मीर में भी किया था? कश्मीर, द ग्रेट लेक ऑफ कश्मीर, द ग्रेट लेक ऑफ कश्मीर। उस सामने वाला ट्रेल हमें लेना है यार, ऐसा नहीं है कि
मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा बहुत आ रहा है बट चढ़ाई बहुत है। ये लास्ट के 3 किलोमीटर तो हद चढ़ाई है। उनको पानी छोड़ने के लिए बोल दिया था, पानी छोड़ दिया, पानी पियेंगे फिर निकलेंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही अब कि बैठ पाए ठीक से यार। मेरा पहला ट्रैक था, मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी इतना बड़ा ट्रैक चूज करके। बड़े की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है चढ़ाई, और हमारे पास पानी ख़त्म हो गया है। कल रात को ठंड ज़्यादा थी तो मैं खाना नहीं खा पाया, मैंने नहीं खाया, नरेंद्र भाई ने नहीं खाया जो मेरे से भी तो कदम पीछे ही हैं, और सुबह भी हमने कुछ खाया नहीं है, बस खाली पेट इतनी चढ़ाई चढ़ना अब पता चल रहा है हमें। और यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, 10 कदम से ज़्यादा चल नहीं पा रहे। भाई कुछ कहना चाहोगे? कमी हमारी यही है कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा और रात को खाना नहीं खाया। और आपको दिखाता हूँ कितना चढ़ के आए हैं ऊपर और कितना और चढ़ना है। काफ़ी दूर ये हट दिख रहे होंगे आपको, ये सामने, ये 5x में ले रहा हूँ मैं तो जाके इतने पास नज़र आ रहे हैं। इसको अगर मैं एक्चुअल में करूँ तो वो सामने जो ग्रीन कलर की हट है वहाँ से आए हैं, और एकदम खड़ी चढ़ाई। अरे भाई अभी भी नीचे हैं, बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड है, हिम्मत ही नहीं हो रही। वो तीनों ऊपर पहुंच चुके हैं, ये इस टापू के पीछे ही है मंदिर। फाइनली गाइज, फाइनली इतनी सारी चढ़ाई चढ़ के जिस व्यू के लिए हम ऊपर आ रहे थे वो हमें मिल गया। हर जगह स्नो, यहाँ पे फिसलन भी है। यहाँ से आगे रास्ता जाता है भगवा वासा, भगवा वासा से आगे जाता है रूपकुंड, गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे। यहीं तक बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, जिस तरफ मर्जी देखो बर्फ का ना वो आया था। हमने हम पहुँच गए किलू विनायक मंदिर, आप जैसे देख पा रहे हो हमने समिट यहाँ पर कर लिया। आगे का हमारा विचार हो रहा था जाने का, जैसे आप अपने पूरी वीडियो में देखते ही आ रहे हो, बट दिक्कत क्या होगी, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हमें मिला था तो उन्होंने बोला था कि आगे का जो रास्ता है वो काफी मतलब डिफिकल्ट हो गया, और दूसरा एविलांस आने का खतरा है, खतरा है, तो आप प्लीज ही ना जाओ, रिस्क फैक्टर ना लो। और वो हमें शायद मे बी आगे हम जाएंगे भी चोरी सी पे तो, और रूपकुंड बंद है, प्रॉब्लम रूपकुंड बंद है ऊपर आके पता चला, क्योंकि एवलांस का एवलांस आया था तो उस वजह से रूपकुंड का जो रास्ता है वो बंद कर दिया। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर नहीं लेंगे तो हमने यहीं सबमिट करके यहां से हम वापस जाएंगे। थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन चलता हुआ, वो सही कह रहा, बारिश आने वाली और है। बारिश यहाँ के पूरे आसार हो रखे हैं, बारिश आने के, क्योंकि पूरे काले बादल हो गए हैं। हमें बारिश आने से पहले पहले अपने टेंट में पहुँचना है, बारिश से पहले अगर टेंट में नहीं पहुँचे तो हम जितने कपड़े हैं उतने कपड़ों में गीले हो जाएंगे और हमारी लंका लग जाएगी, श्रीलंका लग जाएगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाली। तो अभी हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सकता है नीचे पहुँचे। वो हमारा जो सबमिट हुआ है वो यही हुआ है, कलुआ विनायक मंदिर कमल के फोन में यहीं पे फोटो है, मंदिर की कुछ पिक्चर्स मैं लास्ट में पोस्ट कर दूंगा। गाइस एक ना आवाज सुनना कैसे गूंजती हुई आएगी, हेलो। मैं तो उतर के नीचे आ गया हूँ, वो अभी ऊपर ही है, ये वो आ रहे हैं।
एकदम से मौसम ना ख़राब ही हो गया पूरा, बारिश के पूरे आसार हो गए हैं। नीचे भी अभी वैली में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें अभी जाना है वहाँ पे। गलती फंस गए, स्नोफॉल शुरू हो गया यहाँ पे हल्का हल्का, अभी दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में, बट हल्की हल्की यहाँ पे स्नोफॉल होने लग गई है। कालू विनायक मंदिर 14,000 फीट पे था, 14,000 फीट चढ़ के अब उतरे हैं, अब हम आई गेस 13,000 फीट पे होंगे कम से कम, 13,000 फीट पे। तूने मेरी अच्छे से फोटो क्लिक और हल्की हल्की यहाँ पे स्नोफॉल होने लग गई। अगर हम एक घंटा अगर उधर ऊपर बैठते मंदिर में तो हमें फुल प्रॉपर स्नोफॉल देखने को मिल जाती। हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की क्या, अब तो काफ़ी तेज़ हो गई। और सही है, इस ट्रैक में सब कुछ मिल गया हमें, स्नोफॉल और नाइट ट्रैकिंग है ना, और हार्ड ट्रैकिंग, हाई एल्टीट्यूड 14,000 फीट। टेंट तक तो हम पहुंच गए, पर मुझे सिर्फ बर्फ दिख रही है वहाँ पे, स्नो टेंट के ऊपर भी। ऐसे में यहाँ पे रात कैसे गुजारेंगे, ओह माय गॉड, देख सकते हो यहाँ पे तो सिर्फ स्नो ही स्नो है। अरे टेंट में भी, टेंट के ऊपर भी स्नो ही है। इसी के अंदर हमें रात बितानी है और हमें खाने का जुगाड़ भी करना है अभी। ओली ओली ओली, हाथ नहीं तो कर सकता। ओली करना, वही करेगा, क्यों नहीं कर सकता भाई, हट जाओ से बनाना। अरे बना दो, हट से हटना। बर्फ में थोड़ी मस्ती करने के बाद हम सब थक चुके थे, खाना बनाने तक की हिम्मत नहीं थी, तो पंडित भाई ने, मतलब नरेंद्र भाई ने हिम्मत करके खाना बनाया और बाकी तीन लोग कमल नीरज पंकज के तीनों नीचे गए पानी लेने, 1.5 किलोमीटर नीचे। मेरे में हिम्मत नहीं थी वहाँ तक जाने की, हमने जैसे तैसे खाना खाया उनके वापस आने के बाद और हम 4, 5:30 बजे सो गए और नींद खुली हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो आगे अगले दिन हमने क्या किया वो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।